लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मैं कहता हूं कि एक झाड़ भी पहले तो झाड़ काटो ही मत, उसको ट्रांसप्लांट करो। अभी ये आपका गुड़गांव का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, उसमें हमने 12,000 पेड़ को ट्रांसप्लांट किया है। स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट यही नजदीक है, और वहीं से मैं अभी एक टनल डाल के एयरपोर्ट के नीचे से वसंत विहार लेके जा रहा हूँ, और आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट भी आ सकेंगे, तो पूरा यहाँ का ट्रैफिक जाम चला जाएगा। वो पूरे 12,000 ट्री हमने उसमें ट्रांसप्लांट किए हैं, सक्सेसफुली किए हैं। तो पेड़ के बजाय एक पेड़ अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो 5 नए पेड़ लगाएंगे 3 मीटर 4 मीटर के। तो आखिर ये देश में विकास भी होना चाहिए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी बचनी चाहिए। आपको कभी मौका मिलेगा तो मैं दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहा हूँ, आप कभी, वो रोड अभी काफ़ी पूरा हुआ है, 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई और 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर और 2 घंटे में दिल्ली से डेहराडून, 2 घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़, 2 घंटे में हरिद्वार और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, श्रीनगर 6.5 घंटे में, और ये बिल्कुल 2 साल के अंदर सब हो जाएगा। आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बनाया 1999-2000 में, तब दिल्ली से मुंबई, अपना मुंबई से पुणे 8 फ्लाइट चलती थी, अब एक भी नहीं चलती। मैं आपको, मैंने ये अपने स्पाइस जेट वाले जो है अजय कुमार, उसको पहले ही बताया कि 2 साल के अंदर तेरी दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से डेहराडून, अमृतसर सब फ्लाइट में बंद करने वाला हूँ। तुम लॉन्ग लॉन्ग में उसमें भी होशियारी है। उन्होंने क्या किया कि हमारे देश में जितना इंपोर्ट होता है एविएशन से माल, उसमें हमारा शेयर 2% था। तो मैंने, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने कहा तुम देखो एक बात याद रखो कि जो जो देश में आदमी को ढोने का काम ट्रांसपोर्ट में करता है वो कभी फायदा पैसे में नहीं जाता, जो चाहे बस ट्रांसपोर्ट वाला हो, चाहे रेलवे वाला हो, चाहे कहीं भी हो, तो जो माल को ढोता है वही फायदे में है। तो कोविड के कार्यकाल में स्पाइस जेट ने अपने विमानों को गुड्स ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट किया, तो हिंदुस्तान का शेयर 2% से 22% हुआ और उसमें 19% शेयर स्पाइस जेट ने लिया, 19%।